लेके आया न्यूज़ में। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों की ओर। नसरुल्लागंज संयुक्त संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड भोपाल के आह्वान पर 25 सितंबर से मंडियों को अनिश्चित काल के लिए बंद करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा था। संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के संदर्भित पत्र के आह्वान पर 3 सितंबर 2020 से 6 सितंबर 2020 तक सत्याग्रह आंदोलन के संबंध में 6 सितंबर को माननीय महोदय द्वारा चर्चा अनुसार मंडी बोर्ड के अमले को वेतन पेंशन की व्यवस्था तथा अन्य मांगों की सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया था। साथ ही 15 दिवस में कार्यवाही प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन आज दिनांक तक निर्देश अनुसार कार्यवाही नहीं की गई। मोर्चे के आह्वान पर मंडी कर्मचारी द्वारा सत्याग्रह आंदोलन 25 सितंबर से अनिश्चितकालीन पुनः शुरू किया गया, जिसमें अनिश्चितकालीन मंडी को बंद रखा जाएगा। किसी प्रकार का क्रय विक्रय एवं कार्यालय में कार्य बंद रखे जाएंगे तथा कर्मचारी अधिकारी द्वारा अपने कार्यस्थल के गेट पर धरना प्रदर्शन मांगों की पूर्ति किए जाने तक निरंतर जारी रहेगा। नसरुल्लागंज से चांद मियां की रिपोर्ट। हम मंडी नसरुल्लागंज में हमारे संयुक्त मोर्चा संघर्ष के द्वारा जो आह्वान किया गया था कि आप जो वेतन फास्ट तो पॉइंट हमारा वेतन है, वेतन भत्ते हमारे सुरक्षित हो जाए, जिससे कि हम आगे जो हमारा भविष्य है वो अंधकार में ना जाए। इसलिए हम हमारे संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर हम आज 25 तारीख से, अभी हम पांचवा दिन है, हम हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारी केवल एक ही मांग है कि हमारे वेतन पेंशन ये सुरक्षित हो जाए, और हमारी इससे अधिक मांग नहीं है। यदि हमें या तो शासन का कर्मचारी घोषित कर दिया जाए, जिससे कि हमारे आगे का भविष्य हमें पूर्ण रूप से सही हो सके। हमारी खास मांग है वेतन भत्ते हमारे सुरक्षित हो जाए, यही हम खास, इसलिए हम सभी मंडियों में, हमारे 259 मंडी हैं, पूरी अनिश्चितकाल के लिए अभी सभी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और हम सरकार या शासन से यही चाहते हैं कि हमारा वेतन भत्ते हमें सुरक्षित कर दिए जाए, जिससे कि हमारा भविष्य अंधकार में ना हो। बस हम इतना कहना चाहेंगे।